सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान से नेदरलैंड की सफीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया है। इस पर आप बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा, एजेंडा क्या था? आमना ठिकाना, बिल्कुल, आज सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की नेदरलैंड की सफीर आर्डिस की मुलाकात हुई है और इस वाले से दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इस वाले से सीनियर सूबाई वजीर पंजाब का कहना था कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान के नए विजन के साथ आगे बढ़ रही है, पंजाब में हर तरह की सरमायाकारी को मुकम्मल तहफ्फुज़ देंगे, एड की बजाय ट्रेड्स के स्लोगन पर अमली तौर पर काम करेंगे, माजी की गलतियां पॉलिसियां आइंदा नहीं चलेंगी, जबकि हमारा मुकाबला अपोजिशन से नहीं आवाम से कैसे और किन वादों से किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत ग्रुप में मुनासिब रफ्तार आगे बढ़ रही है, जबकि नेदरलैंड की सफीर का पंजाब में जरात, लाइफ स्टाइल, डेयरी डेवलपमेंट और दीगर शोबों में ताउन की पेशकश भी की गई है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ नेदरलैंड की सफीर ने यह भी कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में काफी ज्यादा तजारती जो सरगर्मियां हैं वो चल रही हैं, इसमें भी हिस्सा लेंगे, जबकि इस वाले से अब्दुल अलीम खान को नई हुकूमत के लिए दो तरफा ताउन पर बातचीत भी की गई। इस वाले से उन्होंने नेदरलैंड की सफीर को यादगारी शील्ड तोहफे में दी। जी शुक्रिया इमरान।